अपर आयुक्त अजयकांत सैनी ने भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एवं जनता ग्रामीण सेवा संस्थान जनपद संत कबीर नगर द्वारा आयोजित भारत के विभिन्न प्रांतों की आकर्षक हस्तशिल्प कलाकृतियों व वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु 10 दिवसीय शिल्प बाजार का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अपर आयुक्त अजयकांत सैनी ने कहा कि बाजार की आवश्यकताओं को देखते हुए रचनात्मक तरीके से एवं गुणवत्ता परक उत्पाद को शिल्पी तैयार करें, जिसे देश विदेश में विपणन हेतु प्रस्तुत किया जा सके। विशिष्ट अतिथि एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा कि एक ही छत के नीचे विभिन्न जनपद व राज्यों के उत्पाद देखने को मिल रही है। इस स्तर का आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए, जिससे शिल्पियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। वहीं विशिष्ट अतिथि सहायक निदेशक हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार वाराणसी अब्दुल्ला ने कहा कि शिल्पियों के उत्थान हेतु लगातार शिल्प बाजार का आयोजन हो रहा है। इनके लिए देश व प्रदेश की सरकारें अनवरत कार्य कर रही हैं। बहुत सारी योजनाएं निःशुल्क भी दिए जा रहे हैं। शिल्प बाजार में कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। मुख्यमंत्री के शहर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शिल्पियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिल्प बाजार में कुल 100 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से गोरखपुर का टेराकोटा, मुरादाबाद के पीतल, बरेली व बस्ती के जरी, जरदोजी, भदोई की कालीन, मधुबनी की पेंटिंग, ड्राई फ्लावर, आगरा का लेदर, लखनऊ का चिकन, बस्ती का जरी, कोल्हापुरी चप्पल, जयपुर के आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सहारनपुर के वुड कार्विंग, पिलखुआ, हापुड़ के हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, फिरोजाबाद के ग्लास डिजाइनर, बिजनौर के लकड़ी के खिलौने, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ के हैंड एम्ब्रॉयडरी के सामान, पश्चिम बंगाल के ड्राई फ्लावर, आसाम के केन एवं बाम्बू, बनारसी के जरी से बने साड़ी एवं सूट, गाजीपुर का जूट क्राफ्ट, निजामाबाद का ब्लैक पॉटरी आदि भारत के विभिन्न प्रांतों के उत्कृष्ट एवं आकर्षक निर्मित वस्तुओं सहित अन्य इस प्रदर्शनी में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा, यह प्रदर्शनी आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुली रहेगी। यह प्रदर्शनी 19 से 28 फरवरी तक चलेगी। इस अवसर पर एसडीएम सदर नेहा बंधु, डॉक्टर सैयद जमाल, पप्पू सिंह पहलवान, राजकुमार, परवेज अहमद, कमाल अशरफ, फरहान अंसारी, अरमान, अमन राव एवं अब्दुल खालिक सहित अन्य नागरिक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजयकांत सैनी ने कहा, मुलाकात है पिछले साल मेरे का कुछ ही यही आइटम मेन वाले आइटम ही हर जगह पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सुधार हो गया है, ऐसे सिंगल सिंगल डाउन करके बेचिएगा। ये सब आप देखिए जरा, मेले में यही पाए जाते थे मैडम। मैडम बहुत सारी चीजें वही दिख रही है। कलकत्ता के अंदर देवरिया वाला क्राफ्ट है, जो ओडीओपी है इनका, कोई वाली नहीं है। सच्चा का नाम भदोही के अलावा और भी कई बनती है, नहीं पानी है उसमें। और इसमें अंतर क्या होता है, है? अच्छा, वहाँ भी हैंडीक्राफ्ट वाले उसी में है। क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी, जो है इससे आए हैं जनपद से, तो लगता ही है सर। अभी आज ये शुरू किया तो ये भी मधुबनी वाला ही है, कुछ और भी है मधुबनी है। अच्छा, ये गोरखपुर में जो है मॉडल टाउन में जो है आज शिल्प बाज़ार का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो है विभिन्न प्रदेशों के और विभिन्न जनपदों के लोग जो है कारीगर आए हुए हैं, और क्योंकि गोरखपुर में इसका सहयोग भी मिलता है, यहाँ की जनता भी जो है विजिट करती है, ख़रीदारी भी करती है, तो जिसकी वजह से यहाँ हर साल जो है इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहे हैं। और मेरे इस पीरियड में मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं, तो इस बार शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारी सामान जो है आ रहा है, तभी एग्जैक्ट स्थिति पता चल जाएगी। फिर भी जो है विभिन्न जनपदों से और विभिन्न प्रदेशों से जो लोग आए हैं, उनको यहाँ से की जनता से सहयोग मिलेगा।